नमस्कार, मैं रोशन आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का जो फॉर्म निकला हुआ है उसको कैसे भरते हैं और इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगर मैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको सबसे पहले आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, और आपने जो भी एजुकेशन किया है लास्ट जो उसकी डिग्री है आपके पास उस डिग्री की आपको उस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसके अलावा आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, मेंशन हो। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रोसेस करते हैं कि बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री जो ग्राम परिवहन योजना है, ठीक है, जो उसका फॉर्म है उसको हम कैसे भरेंगे। और इसमें दोस्तों 1,00,000 रुपये तक का आपको अनुदान मिल रहा है, ठीक है, और ये फिफ्थ फेज है। इसके पहले आपने देखा होगा फोर्थ फेज निकला हुआ था लास्ट ईयर, ये 2020 है, ठीक है, 2020 का ये फॉर्म है जिसको फिफ्थ फेज नाम दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक अपना ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम, गूगल क्रोम पे जाकर आप वहाँ पर लिखेंगे transport.bih.nic.in या आप सिंपली गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो परिवहन विभाग का जो साइट है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जूम कर लेता हूँ इसको, ये देखिए ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का वेबसाइट है, और इसमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन फिफ्थ फेज, अप्लाई ऑनलाइन परमिट, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट। तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जैसे कि ये मैंने जूम करके आपको बताया, अप्लाई ऑनलाइन फिफ्थ फेज पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस ओपन हुआ, ये पेज ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मांग रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा, इंटर कैप्चा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म भरने के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। तो चलिए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर पर क्लिक करना होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटर फोन नंबर, चूज़ एनी पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, और इंटर ईमेल आईडी, अगर नहीं हो ईमेल आईडी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको अपना देना होगा। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है, ये डिटेल्स फिल कर लिया है, अब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि रजिस्टर सक्सेसफुली, क्लिक लॉगिन टू फिल योर फॉर्म, मोबाइल नंबर इज योर यूज़र नेम। तो दोस्तों, आपको अलग से कोई यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका यूज़र नेम है, और आपको पासवर्ड आपको पता ही होगा कि आपने क्या सेट किया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन के पेज पर जाएंगे, यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लॉगिन किया,
यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं। और यहाँ पर कैप्चा जो मेंशन है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। हमने मेंशन कर लिया, चलिए लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है इस फॉर्म को। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से ये फॉर्म ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिखना है कि यहाँ पर आपको अपना पूरा नेम लिखना है, ठीक है, आपका फर्स्ट नेम लिखना है, माफ़ कीजिए, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। नेम अगर कोई है तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका सरनेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने ये फॉर्म फिल कर लिया है, आपको कुछ इस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। आपको अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर सेकंड नेम है तो मेंशन कर लीजिए, फादर नेम, मिडिल नेम अगर है तो कोई मेंशन कर लीजिए, और सर नेम लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, उसके बाद आपका प्रखंड कौन सा आता है वो लिख लीजिए, ठीक है, पंचायत कौन सा आता है वो लिख लीजिए, और पिन कोड लिख लीजिए। मेल सिलेक्ट कर लीजिए, कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एस सी एस टी ओ बी सी जो भी है आपका, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एस सी एस टी ई बी सी, ठीक है, माफ़ कीजिए ओ बी सी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कितने सीटर आपको गाड़ी परचेस करना है वो लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। इसके बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो चलिए हम मेंशन कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से क्या किया है हमने, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करके मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों लास्ट वाला पेज हमने सबमिट कर लिया, उसमें सिंपली आपको आपका आधार नंबर और आपके ग्रेजुएशन जो भी आपने पढ़ाई की है उसका डिटेल्स वहाँ सबमिट करना था। और ये दोस्तों हमारा लास्ट पेज है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को ध्यान से समझें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑल स्टार, जो ये स्टार मार्किंग किया गया है, ऑल स्टार मार्क आर मैंडेटरी, प्लीज़ अपलोड PDF और JPG 200 KB ओनली। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इसमें, वो पहली चीज़ तो ये कि JPG मोड में होना, फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो फिर PDF में होना चाहिए, और जिसकी साइज़ 200 KB या 200 KB के नीचे होना चाहिए। अगर 200 KB के ऊपर जाते हैं तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, यहाँ से आपको एड्रेस प्रूफ में ऐसे सिलेक्ट कर लेना है कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड मेंशन कर सकते हैं। और ये जो चूज़ का ऑप्शन दिया है, यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है, जहाँ भी रखा हुआ है सिलेक्ट करके, और सिंपली अपलोड जो लास्ट दिया है सिलेक्ट करके, और आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैटेगरी प्रूफ के लिए देना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपने रखा है वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और लास्ट में अपलोड कर दीजिए। इसके बाद बर्थ प्रूफ जो है आपका आधार कार्ड, यहाँ पर देखिए आ रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, SSLC सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, और सिलेक्ट करके आपको लास्ट में अपलोड करना है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका, उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करके दोस्तों सिंपली आप इसको जो है आपका लास्ट में जो भी आपका मार्कशीट है,
ठीक है, क्वालिफिकेशन का आप उसको भी यहाँ पर अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये सबमिट हो जाएगा, मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप खुद और घर पर और अपने मोबाइल से ही इसको कर सकते हैं, आपको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है, कियोस्क सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात मैं बता देता हूँ, बहुत से दोस्त होंगे जो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 200 के भी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन होता है, एक QR रिड्यूस लाइट एक ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मैं दे दूंगा नीचे, ठीक है। एक तो आप उससे कर सकते हैं, और दूसरा जो रहेगा आपको, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूसर जो होता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए भी मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट का बॉक्स दिया हुआ है, आप वहां पर कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।